मुहर्रम पर्व सहित अन्य पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में पैदल गश्त किया गया तथा लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि कोतवाली क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा लोगों में कोरोना के बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पैदल गश्त किया गया है। इस दौरान एसपी सिटी ने दुकानदारों और नागरिकों से बात कर बीट पुलिस अधिकारियों का फीडबैक लिया। एसपी सिटी सोनम कुमार ने आने वाले मुहर्रम के त्यौहार के संबंध में बताया कि थाना स्तर और मोहल्ले स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की जा रही है, सभी लोग इस त्यौहार को भी अच्छे से मनाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आपको पता है।
कोई भी समस्या आपको आती है पुलिस की जानकारी को फोन करिए, कार्ड बनवाइए ठीक है, अभी कल ही कर बनवाएं इसको। देखिए आज कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया है, इसमें जो है शांति व्यवस्था के लिए और लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए हमने किया है। और इस क्रम में हमने लोगों से बात भी की है, बीट पुलिस अधिकारियों के संबंध में पूछा है कि वो आके लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं, उनकी समस्याएँ सुन रहे हैं कि नहीं, उनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में फीडबैक भी लिया गया। मुहर्रम के त्यौहार जो है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं और सभी जो है मुस्तैदी से इस ड्यूटियों को का पालन करेंगे और समय से ही करेंगे। बाकी मीटिंग्स कर ली गई हैं, थाना स्तर पे की गई हैं, मोहल्ला स्तर पे भी की गई हैं, मेरे और एडीएम साहब द्वारा मोहल्ला स्तर पर भी मीटिंग्स की गई हैं और मेरी उम्मीद है कि जैसे पिछले वर्ष सबने हमारा सहयोग किया था इस बार भी करेंगे और अच्छे से इस त्यौहार को मनाएंगे।